समय पहले की बात है। एक राजा थे। एक दिन तलवारबाजी करते समय उनका एक अंगूठा कट गया। वह दर्द से कराहने लगे, रोने लगे। उसी बीच एक मंत्री आया और हंसने लगा और बोला, जो हुआ अच्छा हुआ। उस मंत्री की बात सुनकर, हंसी देखकर राजा को बहुत क्रोध आया। राजा बोला, यहाँ मेरा अंगूठा कट गया और तुझे हंसी आ रही है, तू हंस रहा है। अब तुझे ऐसी सजा मिलेगी कि तू भी याद रखेगा। फिर राजा ने उस मंत्री को बहुत मारा और जेल में डाल दिया। मंत्री तब भी खुश था और जेल में भी हंस रहा था। एक दिन राजा शिकार करने गया। वहाँ उसे आदिवासियों ने पकड़ लिया। जितने सैनिक थे सबकी बलि चढ़ा दी और उन्होंने राजा को देखा तो उनका अंगूठा कटा हुआ था। वे खंडित थे, इसलिए राजा को छोड़ दिया। राजा वहाँ से भागते भागते आया और उस मंत्री से माफ़ी मांगने लगा। राजा ने बोला, मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे मारा, तुझे जेल में डाल दिया। तू सही कह रहा था, जो हुआ अच्छा हुआ। आज मैं बचा तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा अंगूठा कटा था। तो उस मंत्री ने हंसते हुए कहा, आप माफ़ी मत मांगिए हुजूर, आपने ठीक किया जो मुझे जेल में डाल दिया, वरना आज मैं भी आपके साथ शिकार में गया होता और मेरी भी बलि चढ़ गई होती। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसलिए अगर आपके साथ कभी कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि कुछ भी गलत होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छाई ज़रूर छुपी होती है।